चलिए शुरू करते हैं फुल डे ऑफ ईटिंग. चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं मील वन पे. फॉलो करना ना बोले बिकॉज यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस देयर एंड मैं वहाँ से उठा के आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा इजी फॉर मी. और अभी मैं टोस्ट बना रहा हूँ. लेट्स सी इफ आई कैन फ्लिप. तो इसके मैक्रोज में सारे लिख लूँगा मील के. हर मील के नीचे लिखूँगा आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. सो गाइस ये है फ्रेंच टोस्ट एंड सम फ्रूट्स. 5 होल एग्स, ब्रेड, 4 ब्रेड्स एंड कोकोनट आइसक्रीम, वे प्रोटीन ऑन द टॉप ऑफ दैट, सिनेमन, स्टीविया. सो दिस इज इसकी कैलोरीज मैं आपको बताऊंगा अभी कितनी है टोटल. सो यू कैन ट्राई दिस. दिस इज़ द यमीएस्ट थिंग. एंड सम फ्रूट्स. सो टाइम फॉर द नेक्स्ट मील. ये है राइस एंड ये मेरा चिकन अभी रेडी हो गया. सो 150 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट कुक्ड विद राइस प्री वर्कआउट. मेरा मील चिकन एंड राइस. आई विल फिनिश एंड गो फॉर माय वर्कआउट. इसके बाद मील ख़त्म हो चुका है. अब चलते हैं वर्कआउट करने. लेग्स वर्कआउट है मेरा. सो कैफीन आज मैं नहीं पी रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्लीप गुड लेग्स वर्कआउट वाले दिन. तो नो प्री वर्कआउट टुडे, ओनली क्रिएटिन एंड इंट्रा वर्कआउट्स इन माय वर्कआउट एंड सॉल्ट इन माय पोस्ट वर्कआउट विद वे प्रोटीन, ग्लूकोज, ग्लूटामिन एंड क्रिएटिन. एंड चलो लेट्स गो. तो अभी जो आप ये देख रहे हैं इसमें क्रिएटिन, ग्लूटामिन, ग्लूकोज, गेटोरेड एंड राइस क्रिस्पीज, लॉट ऑफ कार्ब्स, 76 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन क्योंकि 2 स्कूप्स प्रोटीन है, क्रिएटिन है, ग्लूटामिन है. और अब इसके मैक्रोस मैं लिख रहा हूँ नीचे, यू कैन चेक इट आउट. पोस्ट वर्कआउट मील ख़त्म हो चुका है और अब टाइम है एक स्नैक का. जो अभी मैं स्नैक मील खाऊंगा एक कुड बी एनीथिंग बट फॉर नाउ आई विल हैव माय एप्पल. और ये है पीनट बटर. इसको मैंने फ्रीज कर लिया था. पीनट बटर, वे प्रोटीन, सिनेमन, 32 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर है इसमें, 1 स्कूप वे है, 1 अप का वे आइसोलेट एंड सिनेमन थोड़ा सा. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी. तो इट्स माय स्नैक अराउंड. कैलोरीज इसकी मैं लिख देता हूँ भी नीचे सो यू कैन चेक इट आउट. सो इसके बाद करेंगे सेकेंड लास्ट मील ऑफ माई डे एंड इसके बाद शेयर करता हूँ मैं. अभी ये खा के मैं फिर नीचे जिम जाऊँगा एंड आई विल ट्रेन माई गाइज. सर
then chapati hai, two to three with mutton, and upar lagaya maine ghee for good fats, and mutton maine chane mein hi maine mutton ko cook kara hai. So ye hai mera second. तो गाइस अभी तक मेरे पांच जो मील्स हैं वो हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं अपना लास्ट मील खाऊं एंड इसके मैं आपको बता दूंगी मटन मैं ज़रूर खाता हूं हफ्ते में तीन या चार बारी कुछ ज़्यादा इसकी रेसिपी नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं भी ऐसे ही खा लेता हूं बॉयल करके और क्योंकि मुझे टेस्ट से कोई मतलब नहीं आई नीड माई रेड मीट एंड कुछ बना होता है घर में अगर दाल बनी होती है चने बने होते हैं आई पुट दैट बॉयल्ड मटन इन दैट एंड उसको फिर से बनाता हूँ मैं एंड थोड़ा सॉल्ट वॉल्ट डाल के एंड ऑफ कोर्स आई नीड रेड मीट ग्रास फेड तो चिकन में उतना जिंक नहीं होता है शायद तो इसलिए मटन भी मैं कंज्यूम करता हूँ एंड आई फील मच स्ट्रॉन्गर एंड लेग्स डे वाले दिन तो मैं ज़रूर कंज्यूम करता हूँ इसकी कोई रेसिपी नहीं है मेरे पास आई बॉयल इट डाउन एंड पुट इट इन सम सब्जी किसी भी सब्जी में या दाल में चपाती होल व्हीट या मल्टीग्रेन मैं खाता हूँ जिस दिन मेरा लेग डे होता है क्योंकि आई वॉन्ट टू हैव मोर कैलोरीज ऑन माई लेग्स डेज विद घी ऑन ज़्यादा घी लगा के मुझे ज़्यादा फैट नहीं डलती है बिकॉज माई बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट आपकी बॉडी टाइप मेरी बॉडी टाइप के साथ मैच नहीं कर सकती यू आर डिफरेंट आई एम डिफरेंट यू हैव टू फिगर इट आउट वट वर्क्स फॉर यू ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए काम कर रहा है आपके लिए भी वैसे ही काम करे सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट मिस्टेक कि जो मैंने खाया है आप भी वही खाओ ये एक जर्नी है यूट्यूब के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें तो आई लव शेयरिंग माई डेज विद यू मैं वर्कआउट सीरीज़ बना रहा हूँ कल से आपके लिए एक और सो आई जस्ट लव डूइंग इट यू डोंट हैव टू डू एग्जैक्ट आई डू तो चलिए लास्ट मील ऑफ माई डे आइसोलेट 5 ml ऑफ हैम्प ऑयल और पीनट बटर 16 grams बिफोर माई बेड क्योंकि मुझे गुड फैट्स चाहिए बिफोर माई बेड प्रोटीन चाहिए कैसीन प्रोटीन अभी आई एम आउट ऑफ स्टॉक सो उसमें उसको स्लो डाइजेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उसमें पीनट बटर एंड हैम्प ऑयल यूज़ करा है ताकि उसकी डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाए एंड बिकॉज वी गोइंग टू स्लीप सो इसलिए बट मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो अब वीडियो बना रहा हूँ ये सुबह हो चुकी है क्योंकि मैं जल्दी सो गया था आई डोंट वांट टू यूज़ माय फ़ोन आफ्टर 10 PM 10 बज चुके थे रात को और उसके बाद मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ फॉर सेवरल रीजंस क्योंकि मुझे जल्दी सोना होता है एंड आई वांट टू हैव अ डीप स्लीप और मैं आपको बता दूँ कि कल मेरा लेग्स वर्कआउट था यू नो गाइस और आई स्लेप्ट रियली गुड बहुत अच्छी नींद आई मुझे क्योंकि मैंने कैफीन यूज़ नहीं करी थी और मैं 10 बजे के बाद स्क्रीन फ़ोन यूज़ टीवी नहीं देखता हूँ टू स्लीप गुड सो दिस वॉज दैट ये था मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग कैलोरीज मैक्रोज सारे इसके मैं नीचे लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आज भी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं वर्कआउट सीरीज शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वर्कआउट मिस्टेक्स कवर करेंगे वर्कआउट ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे थोड़े बहुत सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हैव माई ब्रेकफास्ट आप अपना ध्यान रखें अपनी माँ का ध्यान रखें एंड योर फैमिली एज वेल Whoever is in your family and take good care of them and much love. Thank you.